हम लोग उंडे थोड़े ही हैं। कोई भी मदद चाहिए हो ना तो मुझे बताना। तुम दोनों को किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े ना तो आवाज लगाना। रात को भी कपड़े ड्रेस सब छोड़कर भागते हुए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हम भी चले आएंगे। हमारे वीडियो को देखो, 2 लाख व्यूज मिले हैं। 2 लाख व्यूज? कितनी अजीब सी दिख रही है। मेरा चेहरा इतना बड़ा क्यों लग रहा है? फोटोशॉप किया क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा चेहरा कैसा नहीं, नहीं, मैंने सोचू और बियर पहले मिक्स नहीं। अब मुझे समझ में आया कि इन लोगों ने उन गुंडों का मुकाबला कैसे कर लिया। विंचेंजो जब इनके साथ होता है तो इन्हें किसी बात का कोई डर नहीं होता। मतलब ये इंसान कोई माफिया नहीं है बल्कि महात्मा है। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया सर। अब हम एक हो ही गए तो क्यों ना काम की बात कर लें। हम चेयरमैन जेंग के साथ तुरंत मीटिंग फिक्स करवाते हैं। अरे हाँ म्यूंग ही, पिछली बार मैंने कहा था ना तुमसे अपने कलीग चीफ किम के अफेयर के बारे में, उसे भी संभाल लोगी ना? देखिए वो ऐसे क्यों देख रही हो, क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद के लिए खुशी से तैयार हूँ। इतनी मदद तो तुम्हें भी करनी चाहिए। फिक्र मत कीजिए, आपसे हाथ मिलाया है तो दिल भी तो मिलाना ही पड़ेगा ना सर। हम सब कुछ संभाल लेंगे हाँ। और इससे तो उस केस पर काम भी शुरू कर दिया होगा है ना? पहले मुझे तुमसे क्या पूछना चाहिए? तुमने माफिया क्यों ज्वाइन किया? तुम माफिया के वकील कैसे बन गए? या माफिया का वकील साल में कितना कमा लेता है? मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। अभी इतने सवाल मत पूछो। अब जब मुझे पता चल गया तो पूछना तो पड़ेगा ना। मेरे पास पूरे 80 सवालों की लिस्ट तैयार है। चलो ठीक है फिर, आज सिर्फ 2 सवालों का जवाब दूंगा। पहला सवाल, तुम उनके वकील कैसे बन गए? वो लोग भी आम लोगों की तरह ही हैं, बस उनके बिजनेस करने का तरीका अलग है। तो क्या उनकी लड़ाई में लोग बिल्कुल वैसे ही मारे जाते हैं जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है? कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। माफिया का बस यही एक उसूल है।